भगिनी निवेदिता। भगिनी निवेदिता का जन्म आयरलैंड में 28 अक्टूबर 1867 को हुआ। पिता सैमुअल, माता मैरी हैमिल्टन थी। बचपन का नाम मार्गरेट था। बचपन से ही भारत के प्रति अगाध आकर्षण था। हेलिफैक्स कॉलेज में शिक्षा पूर्ण कर 1892 में अपना विद्यालय प्रारंभ किया। 1895 में स्वामी विवेकानंद के दर्शन कर जीवन में परिवर्तन आया। जन सेवा के लिए उनके आह्वान पर 28 जनवरी 1898 को भारत पहुंची और 25 मार्च 1898 को स्वामी जी से गुरु दीक्षा ली। तभी से वे भगिनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। 13 नवंबर 1898 को बालिका शिक्षा के लिए कन्या पाठशाला प्रारंभ की। सन 1899 में कलकत्ता में फैली प्लेग की बीमारी में प्राणपण से सेवा की। इसी से प्रभावित होकर अनेक महिलाएं सेवा कार्य में आगे आईं। 3 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद के तिरोधान के पश्चात देश की आज़ादी के कार्य में जुट गईं। स्वर्गवास से पूर्व उन्होंने संपूर्ण संपत्ति भारत में महिलाओं की शिक्षा के लिए समर्पित कर दी। 13 अक्टूबर 1905 को दार्जिलिंग में देहांत हो गया। भगिनी निवेदिता ने भारत की राष्ट्रीयता अपनाकर देश प्रेम का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। वंदे मातरम को अपने स्कूल का प्रार्थना गीत बनाया। वे हमेशा खादी के वस्त्र पहनती थी।